वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पे। आप हमें ईमेल करिए pankaj.soni.381@gmail.com, व्हाट्सएप करिए 9755327124 पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज हम आपको टोरेंट पावर कंपनी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि टोरेंट पावर के शेयर्स या स्टॉक खरीदकर आप कैसे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि किस प्राइस पर आपको खरीदने से अधिक प्रॉफिट हो सकता है, इसके टारगेट क्या निकल कर आते हैं, आपको कब तक होल्ड करना है, किस प्राइस पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें और अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही, अच्छी तरह समझने के बाद ही आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की अपनी योजना बनाएं। टोरेंट ग्रुप सपोर्टिंग द नेशंस फाइट अगेंस्ट कोविड-19। टोरेंट ग्रुप जो है कोविड-19 से लड़ने में देश की मदद कर रहा है और इसके बारे में आप जानने वाले हैं बहुत कुछ। ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बिजनेस एरिया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं ये। 3879 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। 3.6 मिलियन डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर्स हैं इनके। 4.20% टीएनडी लॉस लाइसेंस एरिया। 7 सिटीज ऑफ ऑपरेशन है इनके। इनके बिजनेस एरिया हम आपको बताएंगे। जनरेशन का काम करते हैं। टोरेंट पावर हैज प्रेजेंस इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ पावर केबल्स। इट्स हाईली इफिशियंट जनरेशन एसेट्स एंड क्वालिटी रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर अमंगस्ट द बेस्ट इन द कंट्री। तो ये लोग जो टोरेंट पावर हैं, पावर को जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पावर केबल्स का काम करते हैं। ये देखिए, इनका जनरेशन प्लांट है। टोरेंट पावर हैज एन एग्रीगेट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 3879 मेगावाट विथ अ यूनिक मिक्स ऑफ कोल बेस्ड, गैस बेस्ड एंड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स दैट आर हाईली इफिशियंट पावर जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो टोरेंट पावर जो है कोल का इस्तेमाल करते हैं, गैस का भी इस्तेमाल करते हैं और रिन्यूएबल पावर प्लांट्स भी हैं इनके, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ट्रांसमिशन, टोरेंट पावर ऑपरेट्स 249 किलोमीटर एंड 105 किलोमीटर 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस इंप्लीमेंटेड बाय इट बाय इवैक्यूएटिंग पावर जनरेटेड एट सुजन एंड डीजन प्लांट टू वेरियस ऑफ टेक सेंटर्स में। डिस्ट्रीब्यूशन, द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू ओवर 3.65 मिलियन कस्टमर्स इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, दहेज, सेज एंड ढोलेरा। SIR इन गुजरात, भिंडवानी, सेल, मुंद्रा एंड कलवा इन महाराष्ट्र एंड आगरा इन उत्तर प्रदेश। केबल्स, द केबल्स यूनिट मैन्युफैक्चर केबल पावर एंड कंट्रोल केबल्स एंड इट इज वन ऑफ द मार्केट लीडर इन HT पावर केबल्स सेगमेंट विथ अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अप टू 132 केवी XLPE केबल्स। तो केबल्स भी बनाते हैं जिससे कि पावर ट्रांसमिशन में मदद मिले। बियॉन्ड बिजनेस, बिजनेस के अलावा टोरेंट पावर जो है कम्युनिटी हेल्थ केयर पर काम कर रहे हैं, सैनिटेशन एंड हाइजीन पर काम करते हैं, एजुकेशन एंड नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए भी काम करते हैं और सोशल केयर एंड कंसर्न पर भी ये काम करते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि टोरेंट पावर के जो शेयर्स हैं, स्टॉक आप कैसे खरीदेंगे।
मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रो की वेबसाइट में। टोरेंट पावर के अभी करंट में मार्केट प्राइस है 500 547.90, और इसमें 0.48% की गिरावट दर्ज की गई है। 1 वीक में इसने रिटर्न दिए हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने हैं, 5.56% की गिरावट हो चुकी है 1 सप्ताह के अंदर। 1 मंथ में इन्होंने रिटर्न दिया है 3.35% का, और 1 साल में इन्होंने 70.69% का एक शानदार रिटर्न पेश किया है। 3 ईयर्स में इन्होंने 108.37% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब 3 साल में ही इन्होंने अपने निवेशकों का निवेश जो है दोगुना कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। 5 ईयर्स का रिटर्न भी हम आपको दिखा देते हैं। 5 ईयर्स में इन्होंने 180.76% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब 5 साल में ही इन्होंने अपने निवेश 4 रिटर्न दिया है। टोरेंट पावर हम इसका टेक्निकल चार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं और बताएंगे इसमें निवेश के क्या अवसर हैं, किस प्राइस पर एंट्री करें, एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें, सारी जानकारी आपको इस चार्ट के माध्यम से मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो स्टॉक है 50 MA के आसपास ही ट्रेड करता है और सपोर्ट मिलने पर एक अच्छा बाउंस बैक देता है। तो अभी इसने 50 MA के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और ये स्टॉक नीचे आ गया है। तो आप इसको फिर से बाई कर सकते हैं। आप 547 या 557 तक वेट करिए, और 557 के सपोर्ट पे आने पर आप इसको बाई करिए। इसका RSI 43 है, जो कि अभी इसका अप ट्रेंड है। स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्टॉक में आप बने रहिए, पोजीशन बना के रखिए, और शॉर्ट टर्म में आपको इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 609 रुपीज के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करके रखिए। 52 वीक लो जो है 296.50 का है, 52 वीक हाई 606.55 का है, और इसमें जो है मार्केट डेथ की बात कर रहे हैं तो 60.19% की बाई ऑर्डर क्वांटिटी है, और सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 39.81% की। तो बायर्स आज हावी हैं इस स्टॉक को खरीदने के लिए। एनालिस्ट एस्टिमेट्स बाई करने के लिए 30% बोल रहे हैं, होल्ड करने के लिए 30% बोल रहे हैं, और सेल करने के लिए 40% बोल रहे हैं। तो इस पर ओवरऑल रेटिंग सेल की आ रही है। मार्केट कैप जो है 26,460 करोड़ का है, पी 20.50 का है। तो पी की दृष्टि से ये स्टॉक अट्रैक्टिव दिख रहा है। पीवी रेशियो भी ठीक है, 2.60 का है। इंडस्ट्री भी 8.89 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.35 की है, और EPS 26.87 का है। डिविडेंड यील्ड 2% की है। बुक वैल्यू जो है 218.32 की है। रेवेन्यू देखेंगे तो लगातार इनके रेवेन्यू जो है बढ़ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट जो है 2021 में पिछले क्वार्टर से एक अच्छी खासी तेजी देखी गई है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब हम ईयरली नेटवर्थ बता देते हैं, तो ईयर ऑन ईयर इनके नेटवर्थ में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ रहा है इनका ईयर ऑन ईयर, और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, लेकिन 2021 में थोड़ी सी गिरावट हो चुकी है इनके रेवेन्यू में। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो प्रमोटर्स के पास 53.57% की होल्डिंग है, रिटेल एंड अदर्स के पास 18.72% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 14.30% की होल्डिंग है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के पास 5.32% की होल्डिंग है, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर के पास 4.73% की होल्डिंग, एक्सिस लॉन्ग टर्म के पास 4.45% की होल्डिंग है, और SBI फोकस्ड इक्विटी के पास 2.57% की होल्डिंग है। अब हम आपको बताएंगे कि टोरेंट पावर के स्टॉक्स जो हैं खरीदें कि ना खरीदें, क्या क्या होंगे इसके टारगेट। तो 21 जनवरी 2022 को टोरेंट पावर पर एक रिपोर्ट आई है कि आप इसको बाई कर सकते हैं, और रिकमेंडेड है स्ट्रॉन्ग बाई फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, विथ स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं 475 रुपीज के, और सेल फॉर शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा इसका 554। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट स्टॉक टू रिएक्ट ऑन फॉलिंग इंपोर्टेंट लेबल्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करिए, शॉर्ट टर्म के लिए सेल करिए। और भी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं इस स्टॉक के बारे में। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये स्ट्रॉन्ग बाई है, शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई है, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म,
टेक्निकल पे एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, आप हमको मेल करिए pankaj.soni.381@gmail.com पर, आप हमें व्हाट्सअप करिए 9755327124 पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप हमें फीडबैक दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।